इसका साउंड सुन रहे आप लोग? बंद हो गए, देखो चालू, बंद, चालू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास TVS की XL 100 है और इसके किक से आवाज़ आ रही। देखो ये मैंने स्टार्ट किया, देखो साउंड आ रहा है, ये देखो साउंड आ रहा है। जैसे ही ऊपर करेंगे साउंड चला जाएगा, ये देखो ये। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम साउंड आ रहा है इसमें। ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। बंद करते हैं बाइक को। और जिसमें प्रॉब्लम क्या हुई है पता है? देखो जैसे ही हम किक को मारते हैं, किक नीचे चली जाती है, ऊपर रिटर्न नहीं आती, जिसके अंदर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग हार्ड हो गई है। देखो ये मारा, ये नीचे किक रह गई, स्प्रिंग टूटी हुई नहीं है, स्प्रिंग लूज हो गई है। तो इसकी जो स्प्रिंग है चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, देखते हैं, खोलते हैं इसे। सबसे पहले तो इसका जो किक है, किक को खोल लेते हैं। साउंड आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस तरीके की साउंड आ रही है इसमें, और जो साउंड आ रही है वो किसी इंजन से नहीं आ रही है। इंजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है इसकी स्प्रिंग में ही प्रॉब्लम है। तो चलो इसकी किक को निकालते हैं बाहर। ज़्यादा ही हार्ड है किक, तो इसमें स्क्रूडर लगा के इसे बाहर की तरफ धकेलेंगे, किक निकल जाएगी। चलो इसे, हार्ड है यार काफ़ी ज़्यादा, कोशिश करते हैं निकल जाए। अभी भी नहीं निकल रही। चलो वीडियो कट नहीं करूँगा, इसको निकाल लेंगे। निकल गई। अब इसके ये जो स्क्रू हैं ये खोलते हैं। ये स्क्रू खोलने के लिए हमको ये भी खोलना पड़ेगा, इसका फैन कवर। फैन कवर पहले खोलते हैं। फैन कवर का एक स्क्रू ये, दूसरा स्क्रू इसके नीचे है। वीडियो अगर कट कर दूंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे मैंने खोला था, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना। चलो ये चीज़, चार स्क्रू खोल के ये कवर निकाल लेंगे बाहर। ये हो गया। अब इस पर बीट लगाएंगे, ये रही मेरी बीट, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे नहीं, मेरे को पता है। बीट से प्रॉपर इस खुल जाएंगे, ये देखो खुल गया, ये भी खुल गया और ये भी खुल गया। ये भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे फैन इसका खोलना पड़ जाएगा मेरे ख्याल से, पहले देखो बार बार कोशिश कर लेते हैं, फैन ना खोलना पड़े। अगर फैन खोलना पड़ेगा तो फिर फैन को भी खोलेंगे। स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, तीन स्क्रू यहाँ के खोलना, तीन स्क्रू अपना जो किक शाफ्ट का कवर लगा उससे तीन स्क्रू खुल गया। स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं सारे स्क्रू। अभी इसको थोड़ा सा खींचते हैं बाहर और कोशिश करते हैं कि ये निकल जाए ये कवर। अभी ज़्यादा वो मैं करूँगा तो टूट भी सकता है। इससे बढ़िया ये है कि इसका जो फैन लगा हुआ है मैग्नेट फैन, इसे खोल लेते हैं, वरना टूट भी सकता है अगर जबरदस्ती करेंगे। प्लास्टिक का सामान है, टूट सकता है। तो इसमें वही बीट लगाएंगे, क्योंकि इसको डर से नहीं खुल रहे हैं, तो बीट लगाएंगे, बीट से खोलेंगे। तभी मैं इसका जो फैन है, फैन के तीन स्क्रू होते हैं फैन में, तीन स्क्रू को खोल के इसका फैन निकालूंगा। और जब फैन निकालूंगा तो बिल्कुल आराम से किक का जो कवर है साफ्ट वाला वो निकल जाएगा। इसको इस तरीके से खींचेंगे और ये देखो निकल गया बिल्कुल आराम से। ये हो गया बात। स्प्रिंग देखते हैं, ये देखो बिल्कुल लूज है ना, लूज नहीं होनी चाहिए, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं, इसे चेंज कैसे करना है वो बताते हैं। यहाँ पे लॉक है, ये देखो ये लॉक है, लॉक प्लास से लॉक को निकाल लेना है। मैं लॉक प्लास का यूज करता हूँ, लॉक को निकाल लेता हूँ बाहर। चलो निकल जाएगा धीरे धीरे, कोशिश करना है। हल्का सा बाहर आ गया है, अब इसे स्क्रू ड्राइवर से बाहर कर लेंगे पूरा। आ जाएगा, आराम आराम से करना, एक ही साइड से लॉक को मत खींच देना। ये देखो निकल रहा है ना, ये निकल गया। इसे
रखते हैं, इसके जस्ट पीछे वाशर निकाल लेते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट से जिसको स्प्रिंग रोक के रखता है स्प्रिंग को, ये इसको निकाल लेते हैं। अब इसकी स्प्रिंग आराम से निकाल लेंगे बाहर और देखते हैं स्प्रिंग में क्या दिक्कत है। यहाँ से स्क्रूड्राइवर थोड़ा सा बाहर करके इसे निकाल लेंगे, ये निकल के पूरी स्प्रिंग बाहर, और स्प्रिंग ख़राब हो चुकी है, ये लूज हो चुकी है, इसका टेंशन जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि स्प्रिंग हल्की सी डैमेज है। और डैमेज किस जगह से है, देखो जहाँ पे जंग लगा हुआ है, देखो जंग लगा हुआ यहीं पे, ये इस जगह पे डैमेज हो गई है। कुछ दिन चलती है उसके बाद टूट जाती है स्प्रिंग, देखो देखो क्रैक पड़ी, पूरी क्रैक है, तो ये काम नहीं कर रही थी इसी वजह से, क्योंकि स्प्रिंग टूट गई थी। और ये रही नई एनवी प्लस, मतलब जो स्प्रिंग है वो जेन्युइन है, एनवी की बहुत बढ़िया आती है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रही स्प्रिंग इसकी नई, तो चलो इसको करते हैं फिटिंग। फिटिंग करने के लिए सेम प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे एक होल है, ये होल दिख रहा है आप लोगों को, और इसको उसमें बैठाना है। अब बैठाना कैसे, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लेके जाना है, उल्टी मत लगा देना, देखना वीडियो में किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से सेम लगाना है स्प्रिंग को। आराम आराम से अंदर करेंगे, बैठ जाती है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। चलो इसको डर से कोशिश करेंगे। और जो स्प्रिंग है, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो TVS की स्पोर्ट बाइक है, स्पोर्ट TVS की जो स्पोर्ट बाइक की, उसी की किक स्प्रिंग है ये। अब हमको उसी होल में इसको लेके जाना है, और स्प्रिंग का जो ये वाला पार्ट है इसे उसके अंदर कर देना है। अभी तक नहीं बैठा नहीं, स्प्रिंग को सीधा करेंगे, इसको दबा देते हैं यहाँ से, है ना, बैठ गई, ये देखो ये बैठ गई। स्प्रिंग को सीधा करना है कुछ इस तरीके से, ये देखो उसी होल में बैठाना है। अब इसके बाद हमको सारा कुछ लगा देना है, क्या ये जो ब्लैक वाला पार्ट्स था इसमें बैठाना है, ये कट वाला स्प्रिंग के सीधा बैठा देना है, ये इससे स्प्रिंग निकलती नहीं है, ये लॉक करके रखता है स्प्रिंग को। इसके पीछे वाशर लगाएंगे, बैठा है, देख लूँ थोड़ा लॉक की जगह है ना, हाँ है इसमें वाशर, चलो वाशर और लॉक बाद में लगाएंगे, पहले इसकी स्प्रिंग को ही सेट कर लेते हैं। पकड़ेंगे प्लस और खींच के ले जाएंगे इस जगह पे, अंदर कर देंगे, आराम से करना, हाथ भी हाथ में लग सकती है, बिल्कुल आराम से करना। देखो अभी हमने आधी जो है इसे बैठा दी है, अब इसे और अंदर करना है, तो स्प्रिंग को सीधा करेंगे, एक साइड से पकड़ कर रखेंगे, दूसरे साइड से ये अंदर चली गई और अंदर गई, बैठ चुकी है, यहाँ से सीधा कर देंगे, ये देखो स्प्रिंग बैठ चुकी है, ये प्रॉपर इसी तरीके से बैठा लेना है। अब इसका जो वाशर और लॉक है, पहले वाशर लगाएंगे, अब इसके बाद इसका ये था लॉक, लॉक थोड़ा सा बैंड हो गया, सीधा करें और इसको ले जाएंगे अंदर तक बैठा देंगे, ये तो इसको डर से बैठ जाएगा, इस बार बैठ गया। अब देख लेते हैं, हाँ घूमना चाहिए लॉक को, जब भी लॉक बैठ जाएगा ये वाला, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, समझ जाना ये बैठ चुका है, बैठ गए। इसका जो है सारा सामान जब हमने खोला था वो लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कवर है इसको लगाते हैं, इसको थोड़ा सा खींच कर रखेंगे और इसे बैठा देंगे, ये अब इसके जो है स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं इसे। सारे स्क्रू को मैंने बीट से टाइट कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और ये लूज नहीं होंगे, स्क्रूड्राइवर से टाइट करता तो लूज हो जाते, इसीलिए बीट से टाइट किया है। अब इसका जो फैन कवर है वो बैठाएंगे पहले, ये बैठ गया, अब इसके भी सारे स्क्रू टाइट कर देंगे और बाहर का कवर लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर किक मार के देखते हैं। फैन कवर, फैन लग गया है,
ये रहा फैन कवर, इसको यहाँ पे बैठाएंगे आगे की तरफ पहले, और उसके बाद कुछ इस तरीके से बैठा के इसके भी चार स्क्रू थे वो लगा के टाइट कर देते हैं इसे भी। अब इसमें लगाना है किक, तो चलो किक को भी लगा लेते हैं और किक का बोल्ट लगा के इसे भी कंप्लीट करते हैं किक को। अब इसकी किक भी लग गई, किक का बोल्ट फुल टाइट कर दिया, सारा कुछ कंप्लीट फिटिंग हो चुका। एक बार किक को नीचे ऊपर करके देखते हैं, ये देखो रिटर्न आ रही है, पहले ये रिटर्न नहीं आ रही थी, ये नीचे रह जाती थी। एक बार स्टार्ट करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं, देखो कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा सा नीचे करेंगे साउंड आने लगेगा, ये इतने पे किक रुकी रहती थी इसी वजह से साउंड आ रहा था। अभी प्रॉपर बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है, कंप्लीट। बंद करते हैं इसे और एक बार वापस से देख लेते हैं किक मार के, सही है फर्स्ट क्लास। ये देखो ये रहनी चाहिए। तो ये बाइक हो चुकी है कंप्लीट, सारा कुछ हमने चेक कर लिया। वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी किस तरीके से ठीक किया। और ये जब स्टार्ट करते थे तो ऐसा लग रहा था कि इंजन में कोई चीज़ आवाज़ है, ऐसा लग रहा था ना। कमेंट्स करके आप लोग बताना, आप लोगों को भी लगा होगा इसके इंजन में कोई साउंड आ रहा है, लेकिन इंजन का साउंड नहीं था, वो था किक स्प्रिंग लूज होने की वजह से साउंड आ रहा था। वो किक रैचिट का होता है, क्योंकि स्प्रिंग जब काम नहीं करेगी तो रैचिट आपस में टकराने लगती है, उसकी आवाज़ होती है। तो चलो ये वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।